हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कैप्सिकम एनम के बारे में। कैप्सिकम एनम को हम शिमला मिर्च भी कहते हैं। शिमला मिर्च हम सब खाते हैं एज अ फ्रूट की फॉर्म में या फिर एज अ वेजिटेबल की फॉर्म में। डिफरेंट कलर्स की होती है। कौन कौन से कलर की होती है? ग्रीन भी होती है, येल्लो भी होती है, रेड भी होती है। और हम इनको चिलीज मिर्च या फिर रेड पेपर भी कहते हैं। रेड पेपर के अंदर लाल मिर्च जो होती है ना आपकी, उसके अंदर भी व्हाइट कलर के सीड्स होते हैं। जो आपकी कैप्सिकम होती है, शिमला मिर्च जो होती है, उसके अंदर भी व्हाइट कलर के सीड्स होते हैं जो टॉक्सिसिटी करते हैं, मतलब पॉइजनिंग करते हैं आपकी बॉडी में। आप खा तो लेते हो, हाँ आपको उसका टेस्ट थोड़ा सा मीठा लगता है या फिर अच्छा भी लगता है। उसको वेजिटेबल की फॉर्म में भी खाते हो, कुछ अच्छी डिश बना रहे हो तो आप उसमें भी उसको डालकर खाते हो। कैप्सिकम होती अच्छी है, बहुत ज़्यादा विटामिन आपको देती है, फिर आपको एक प्रोटीनेशियस डाइट की तरह भी ये काम करती है। लेकिन आपको उसके सीड्स नहीं खाने चाहिए। क्यों? क्योंकि सीड्स आपको टॉक्सिसिटी करते हैं। जो ये सीड्स होते हैं, जो वो व्हाइट कलर के होते हैं, उन व्हाइट कलर के सीड्स का अगर हम पाउडर बनाएं तो वो आपको टॉक्सिसिटी करते हैं, पॉइजनिंग करते हैं आपकी बॉडी में। कैसे करते हैं, चलो पढ़ते हैं। इनके अंदर एक एक्टिव प्रिंसिपल होता है। कौन सा प्रिंसिपल होता है? उसमें दो मेन है, कौन से? कैप्सिसिन और कैप्सिसिन, ठीक है, जिनकी वजह से इनको कैप्सिकम बोला गया है। अब इस इन जो ये जो सीड्स होती है, इनका जो ऑर्डर स्मेल जो होती है वो बहुत गंदी होती है। अगर इनका पाउडर फॉर्म बना के देखोगे तो बहुत गंदा ऑर्डर होएगा। अगर इन खाओ भी लोगे तो बहुत गंदा टेस्ट होगा, बहुत ज्यादा पंजेंट ऑर्डर और इनका टेस्ट होता है। सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स आपको क्या देखने को मिलेंगे? अगर आपने बहुत ज्यादा डोजेस में, बहुत ज्यादा लार्ज डोजेस में इनको स्वेल कर लिया है, खा लिया है, तो क्या होगा? आपका जो ईसोफेगस है और आपका जो स्टमक है उसमें इरिटेशन हो जाएगी, इचिंग होगी, पेन होगा आपको। आपका मन करेगा कि आपने क्या खा लिया, बहुत ज्यादा बर्निंग पेन होगा आपकी आईज में। अगर बाई चांस पाउडर आपने अपने फेस पर लगा लिया, फिर एक्सीडेंटली लग गया, आपकी आईज में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। स्किन पे अगर आप लगा लेते हो तो भी आपको स्किन पे बर्निंग सेंसेशन, रेडनेस फील होगी या फिर इरिटेशन हो जाएगी। नोज पे हो गया, ऑब्वियस सी बात है कि नोज में भी आपको इरिटेशन फील होगी। लोग ट्रीटमेंट कैसे ले सकते हैं? जो हमारी स्किन पे अगर इफेक्ट हुआ है तो आप उसको विनेगर से वॉश कर सकते हो या फिर आइस कोल्ड वाटर से वॉश कर सकते हो। आप बाथ ले सकते हो डायरेक्टली। अगर आपके स्टमक के अंदर गया है, फिर आपके आईज में गया है, तो आईज में गया है तो आप फेस वॉश करोगे कोल्ड वाटर से। अगर आपके स्टमक के अंदर बाई चांस चला गया है तो आप आइस क्यूब्स को सक कर सकते हो या फिर आप बहुत ज्यादा ठंडा पानी पी सकते हो, कोल्ड वाटर आप पी सकते हो। मेडिकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं? मेडिकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या है, फिर क्रिमिनोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या है? क्या होता है, जो क्रिमिनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, पाउडर फॉर्म जो होता है वो सामने वाले पर्सन की आईज में थ्रो कर देते हैं या फिर उसकी स्किन पे अप्लाई कर देते हैं। फीमेल्स में क्या करते हैं, कोई भी क्राइम करना होता है तो उनकी ब्रेस्ट पे रब कर देते हैं, वेजाइना और रेक्टम में डाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये टॉक्सिसिटी या फिर पॉइजनिंग हो सकती है। बेसिकली कैप्सिकम लोग, जो कैप्सिकम के सीड्स होते हैं वो लोग रॉबरी में या फिर किसी भी क्रिमिनोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में यूज करते हैं। और बोलते हैं ना पेपर स्प्रे बन रहा है, पेपर स्प्रे गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा सेफ है। अगर कोई भी उनको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो उस पेपर स्प्रे का यूज कर सकती हैं, तो वो पेपर स्प्रे भी आपका इन सीड से बनता है, ठीक है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको और ज़्यादा जानना है फॉरेंसिक्स के बारे में या फिर टॉक्सिकोलॉजी के बारे में, तो आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे मैं आपको और ज़्यादा वीडियोस बनाकर दे सकूँ। थैंक